नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका जीके मैथ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपने यूएन कार्ड को प्रिंट कर सकते हैं और अपने यूआर कार्ड, जैसे कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, इस तरीके से जो कार्ड बनता है, तो अपना यूएन कार्ड किस तरीके से पीएफ अकाउंट का डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना, और जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहा है तो जीके मैथ एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब का बटन इस वीडियो के नीचे दिया गया है। और जो आपका पीएफ अकाउंट, जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का जो लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये खासकर उन सभी प्राइवेट जॉब करने वाले भाइयों के लिए है, यूएन कार्ड किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना यूएन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, और इसके बाद यहाँ पे कैप्चा डाल देना है। तो यहाँ पे मैं कैप्चा डाल देता हूँ, यहाँ पे TUP7, और उसके बाद साइनिंग कर देता हूँ। जैसे ये साइनिंग होगा, कैप्चर सही नहीं डाला है तो मैं यहाँ पे कैप्चर सही से डाल देता हूँ, GHP8H, उसके बाद साइनिंग, इनवैलिड कैप्चर। कैप्चर आपको सही से डालना है यहाँ पर, LNUK7। ये ओपन हो चुका है, तो देख सकते हैं दोस्तों यूएन कार्ड। तो आपका यूएन कार्ड ये सामने, बिल्कुल जैसे ही ये ओपन होगा आपके सामने आ जाएगा, ये यूएन कार्ड है। तो देख सकते हैं दोस्तों, आपका यूएन कार्ड आपके सामने आ चुका है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं या इसका डायरेक्ट प्रिंट मार सकते हैं। ये आपके सामने दिया गया, इसे यहाँ से डाउनलोड कर लें, इसे यहाँ से प्रिंट कर लें। तो इस तरीके से अपना यूएन कार्ड निकाल सकते हैं दोस्तों। और अकाउंट की सेटिंग देखनी है तो यहाँ पे ये अकाउंट की सेटिंग दी गई है। तो दोस्तों, इस तरीके से अपने यूएन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। और पासबुक का ऑप्शन है यहाँ पर, यहाँ से आप पासबुक को भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपके पासबुक आपके सामने होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही बताना था। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ फिर से। नमस्कार।